गुरबाणी नूं समझ के असी किसे देश की सरजना करिए ना, शायद उस देश वर्गा दुनिया ते कोई देश दूजा होवेगा ही नहीं। पर अं तो एक 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 दरबार हाल के 15-15, 50-50 खंड पढ़ रख के बैठे हैं। तुम अपने घर एक कमरे के एक लॉबी के दूजा टीवी लाते जो बोल के दस्यो, जे दो टीवी एक रूम च लाओ तो तुहाडे जवाक कहणगे पापा जी ये करते पे जे तुहाडी मत नूं की होया। एक क्लास रूम के दो टीचर पढ़ा सकते बोल के दस्यो जी, नहीं बोल नहीं पढ़ा सकते। एक अदालत दे विच जदों जज फैसला सुनाउंदा उह तों पहलां वकील अपना पक्ष रखदे आ, ते वकील भी बोलदा जदों उह परमिशन लैके बोलदा जज साहब मैं अपना पक्ष रखना चाहुंदा, ते फिर दूजा वकील अपना पक्ष रखदा। जे दोवें वकील इकट्ठे बोल पैण तां जज कहिंदा ना जी वारी वारी अपना अपना पक्ष पेश करो। एक कमरे दे विच 100 बंदा बैठा है, बोलणगे किन्ने जी? 99 सुनगे। तो जे आप कही चलो टाइम थोड़ा दो कट्ठे बोल लो, क्यों साहब सिंह जी बोल के दस्यो जी, तभी नहीं गल बननी। एक कमरे के विच एक चीज इक्के वक्त सिख रहत मर्यादा च लिखिया है, आ जिहड़ा दो बन्ने तुसीं लिख के लाया च लिखिया है, पढ़ के वेख लियो घर जाके, कि संगत में जदों पाठ हो रहा उदों पाठ होवे, जदों कीर्तन हो रहा उदों कीर्तन होवे, जदों कथा होवे उदों कथा होवे। एक वक्त दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं करनियां। पुछे जाके उन्हां देहधारी बाबिआं नूं जिथे 15 सरूप कट्ठे, ते 15 सरूपां तों कट्ठे अखंड पाठ हो रहे आ, ते सुणन वाला अगे उच्ची बोल के दसो एक भी है नहीं। ते जे तुहाडे जवाक पुछण भी एक कमरे दो टीवी नहीं ला सकते, एक क्लासरूम च दो टीचर नहीं पढ़ा सकते, इक्के हाल दे विच इन्ने सरूप क्यों रखे आपां? चाहीदा सी एक सरूप तों 100-200 जाना पाठ सुने, काम उल्टा हो गया। 50-60 सरूपां तों 50-60 पाठ कर रहा सुनने वाला एक भी है नहीं। हुण दसो जी आ प्रचार देहधारी बाबे नूं हजम होजू, उच्ची बोल के दस्यो। हुण तुसी पढ़े लिखे जे अपने आप ना सोच के वेखो, मेरिया भैणां बैठियां सिख रहत मर्यादा विच वी इह गल लिखी होई आ, पर डेरे चलदे इत्थों 20-20 अखंड पाठ, 30-30 अखंड पाठ, एक अखंड पाठ तो अच्छा उहदे च एक बंदा बोल के पाठ करदा, बाकी नेत्री पाठ ही हुंदे आ इदां। सच है? अच्छा पाठ किन्ना दा हो रहा? ये एक अमरीका रहिंदा परिवार जी, उन्होंने कहा सी साडा फलाने डेरे पाठ होवे, कनेडा रहिंदा उन्हें भेजता, एक आस्ट्रेलिया रहिंदा सी उन्हें कहता, एक न्यूजीलैंड वाला कहता, एक फ्रांस वाला कहता साडा पुत पक्का होया सी, एक अमरीका वाला कहा सी 20 साल बाद साडा पुत पक्का होया। पाठ डेरे हो रहा, जे पुत पक्का होया पाठ घर करो आप, बोलो जी पक्के तुसीं इत्थे होए जे पाठ तुसीं डेरे च कराई जांदे जे, बोलो भाई गुरु के प्यारे हो। ये तो वह गल हो गई जिमें पुराना समा सी, तो एक माई उहदी सूई गवाच गई अपने घर, तो लागे उहदी लंघ रहा सी वपारी, उन्हां दे हत्थां विच जगदी होईआं मसालां सी, रोशनी सी उन्हां दे हत्थां विचों लंघ रहा सी। पुराने समय च इहो साधन हुंदे, जिवें अज गड्डियां दे सामने हैडलाइटां हुंदियां, आपां चन हुंदा ते आपां गड्डी लई जांदे आ, उह जदों माई दी सूई गवाची उह चौंक चाण के लभण लग पई, इदां वो नौजवान जिहड़े वपारी सी उह कोल आ गए, माता की गवाचा? कहिंदी पुत सूई गवाची है। वह भी नौजवान खलो के अपने उन्होंने गड्डी रोक ले, तो माता दे नाल लभण लग पे, हत्थ फिर मार लग पे। वह 5-7 मिनट लभण तो बाद आंदे, माता कित्थे गवाची सी? उहदी घर गवाची सी। उहदी जे घर गवाची सी फिर घर क्यों नहीं लभदी? कहिंदी घर नेरा वा, इत्थे तां लभदियां भी इत्थे चानण वा। होई गल उह ना, पुत पक्का होया अमरीका, तो पाठ कित्थे होना? तो पाठ घर कराओ, आप करो, आप समझो बाणी, सहज पाठ करो, पोथियां रखो घर अपनियां। पर साडे अंदर तो एक वड्डी भैड़ है ना, सानू ये लगता बाबा जी ने पक्का कराया सानू, तो बाबा जी ने पता नहीं किन्ने नाल दे चेले कबूतरबाजी च बाहर आए। हुण सारियां गल्लां साडे कोल ना बुलाओ, क्योंकि 12-13 मुकदमे पहला नजिठ रहे मैं सदा नाल, एक अद्धा केस तुसीं भी कराओ ना, हुण तुहाडे कोल डालर आ, मेरे को तो इंडिया वाला गांधी वाला नोट आ। तो फिर मैं बेनती करनी चाहुंदा, तगड़े हो, हंबड़ा मारो ना, वहमां च पाओ
ना पखंडा पाओ, डर डरो, डर कढ़ो अपने अंदर। जो साडियां भैणां आण के पुछदियां ना मैं अपने घर सहज पाठ करना ते सानूं खुशी हुंदी आ, आप करो तुसीं। अकल वीर ने दस्सिया जी इत्थे विचारां करदे, मैं कहना अगले साल तुहाडे चो उठ के इत्थे विचार करे, खुशी होएगी सानूं। जिदन असी आप गुरबाणी पढ़न लग पे, डर कढ़ो अपने अंदरों। तुसीं सवेरे स्टोर ते जाओ, शामां नूं कहो मैं अज गुरद्वारा साहब गुरु नानक साहब ते लैक्चर करना। भैण साडी हॉस्पिटल जॉब करती आवे, वह कहे मैं अज छेती गुरुद्वारा साहब जाना, अज मेरा 10 मिनट बेबे नानकी के उत्ते लैक्चर वा। अभी तो सारा कुछ बनाता, सारा कुछ छड़ के बह गए असं भी, सानू तो करना ही ना कुछ पवे। जितना असी गुरबाणी आप पढ़ना विचारना शुरू करता, जिंदगी साड़ी सौखी हो जाएगी। हुण इत्थे पातशाह जी कहिंदे ने भै के चरण परमेश्वर दे निर्मल भाव नूं चरण बना ला, कर हथ कहिंदे ने कर भाव के लोयण सुरत करे, प्यार नूं हथ बना ला, जाने कि जिंदगी च प्यार लैओ, प्यार बड़ी वड्डी चीज़ आ।